हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप ये साल आप सबके लिए खुशियों भरा रहे। तो साल के पहले ही दिन आप सबके लिए फैक्ट यानी फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं, तो हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी आप तक इसे अपडेट किया जाए। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसका एडवर्टीजमेंट। एक्चुअली इन्होंने एडवर्टीजमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेट किया है, तो हमने एक बार पूरा डिटेल में एडवर्टीजमेंट पढ़कर आपके लिए एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में तैयार किया है, जिसमें कि सारे मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो जल्दी से देखते हैं इसका डिटेल में एडवर्टीजमेंट। तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की आज से यानी 1 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, और इसकी क्लोजर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 22 जनवरी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, और डिटेल में भी एडवर्टीजमेंट को एक बार देख सकते हैं। तो आते हैं एप्लीकेशन फीस में। तो इसमें एक्चुअली मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल पोस्ट हैं, तो मैनेजरियल पोस्ट की फीस एप्लीकेशन फीस फीस 1,180 रुपये है, और नॉन मैनेजर पोस्ट की 590 रुपये है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की सर्विस फीस निल है। तो अब देखते हैं इसमें मैनेजर पोस्ट जो आई है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो इसमें जो पोस्ट कोड है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 से 10 तक है, ये सारे मैनेजर पोस्ट है, और इसमें 1 से 5 तक के जो पोस्ट कोड है ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है। बाकी जो 6 से 9 है ये है आपके फ्रेशर्स के लिए पोस्ट है, जो कि आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है, और ये केमिकल मैकेनिकल ब्रांच में है। तो केमिकल मैकेनिकल ब्रांच में BE BTech के स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट है फ्रेशर्स के लिए। बाकी 9th वाला आप देख सकते हैं, ये फायर एंड सेफ्टी वाला, और 10th मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की पोस्ट है। उसके बाद आते हैं हम ये जो आप देख सकते हैं टेक्नीशियन पोस्ट 11 to 15, तो ये पोस्ट आई है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ITI। तो ये भी एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिसका डिटेल में मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस कितना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं 16 to 23 जो पोस्ट है ये पर्टिकुलर स्टेट वाइज आई है, जिसमें कि केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन स्टेट की आई है। तो इन पर्टिकुलर स्टेट के लिए उनका पर्टिकुलर डोमिसाइल चाहिए होगा, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें पोस्ट कोड, जो हमने पहले वाले एडवर्टीजमेंट जो डिटेल था उसमें जो पोस्ट कोड 1 था, तो उसमें आपको BE BTech चाहिए होगा, मैकेनिकल इंजीनियर ब्रांच के लिए है, और इसमें आपकी मैक्सिमम एज 45 ईयर्स चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए है 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो फिर आप सेकेंड वाला देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। इसी प्रकार थर्ड फोर्थ के लिए सेम है। बाकी जो 6 to 9 है, जो मैंने बताया था पहले फ्रेशर्स की पोस्ट है, तो इसके लिए आपका ईयर्स 26 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि यू शुड बॉर्न आफ्टर 1/1/1994। तो यही सेम है दोनों 6 to 9 सब के लिए। और जो एक मार्केटिंग की पोस्ट आई थी 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसमें भी आपका सेम एज चाहिए। नेक्स्ट आप देख जो बताया था 11 to 16 जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर्स चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 17 to 23 जो पोस्ट कोड्स आई है, उसमें 10th पास विद ये ITI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसमें भी मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं 35 ईयर्स है। और अगर आपको क्लैरिटी में ये डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना है, तो प्लीज आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में एक बार एडवर्टीजमेंट को एक बार और क्लैरिटी से देख सकते हैं, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए डिटेल। तो अब आते हैं सिलेक्शन मेथड में। तो जो पोस्ट कोड 1 to 3 था, जो मैनेजर पोस्ट था, उसका है इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है, जो कि इंटरव्यू होगा आपका कोची में। उसके बाद जो बाकी 4 to 10 मैनेजर पोस्ट थी,
उसमें आपका पहला ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, जिसके सेंटर्स की दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और कोची में होंगे। उसके बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा। फिर आते हैं 11 to 23 जो पोस्ट कोड थे, जो नॉन मैनेजर पोस्ट थी, उसका सिर्फ रिटन टेस्ट एक है जो कि कोची में होगा, प्लस एक स्किल टेस्ट होगा फॉर पोस्ट कोड 16, 17, 18, 22। आप पीछे उसमें रिफर कर सकते हैं जो हमने एडवर्टीजमेंट शो किया था। ठीक है, तो अब आते हैं सिलेबस में। सिलेबस में जो मैनेजर पोस्ट है, उसमें जो मैनेजर पोस्ट है, तो उसमें आपका क्या होगा, एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें कि पार्ट 1 पार्ट 2 में पेपर है। पार्ट 1 में आपका बेसिकली सिर्फ एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड और आपका सब्जेक्ट पर्टिकुलर बेस्ड डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो नॉन मैनेजर पोस्ट है, उसमें भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा एमसीक्यूज का। उसमें पार्ट 1 में सेम एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया सैलरी का अकॉर्डिंग टू पोस्ट कोड। तो आप देख सकते हैं, जैसे पहले कॉलम में पोस्ट कोड्स हैं, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है, किसी का 6 मंथ्स है तो किसी का 2 ईयर्स है। ये आप डिटेल में एक बार ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी दी जाएगी, वो भी हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। जैसे कि जो मैंने फ्रेशर्स का बताया था आपको, फ्रेशर्स का जो पोस्ट थी 6 to 10 वाली, उसमें 2 ईयर्स की ट्रेनिंग है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 सैलरी मिलेगी और सेकेंड ईयर में 35,000 मिलेगी। दिस इज इन योर प्रोबेशन पीरियड। आप प्रोबेशन पीरियड के बाद जो आपकी सैलरी आएगी, इसमें 55,943 ग्रॉस सैलरी है, तो इट्स क्वाइट अ गुड सैलरी। तो बाकी भी आप देख सकते हैं, अब मैंने सिर्फ इसका बताया, आप बाकी में भी सैलरी देख सकते हैं। ये फिर दूसरा जो बाकी पोस्ट है, उसमें भी आप सेम टू सेम प्रोबेशन पीरियड, व्हाट इज द प्रोबेशन पीरियड, व्हाट इज द फिक्स सैलरी और ट्रेनिंग में क्या सैलरी है, उसके बाद कौन सैलरी, ये सब हमने डिटेल में आपको इसमें कैलकुलेट करके बताया है, तो आप इसे देख सकते हैं। और ये था आपका बेसिक जो भी इसमें डिटेल्स थी। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हैं, तो जो ईमेल दिया है आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं फोन नंबर्स में, और हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी कोई भी क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। विशिंग यू ऑल गुड लक। प्लीज लाइक एंड शेयर अवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले कोई भी जॉब न्यू जॉब नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। एंड ओके, थैंक यू।